आप इसरार भाई हैं और इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और ये फिल्म के राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, तो फिल्म के बारे में ये आपको बेहतर बताएंगे, मुकेश सर बताएंगे आपको, फिर बाकी की बातें मैं बताऊंगा। जी सर, एज ए प्रोड्यूसर आपको इस मूवी के अंदर ऐसा क्या खास लगा कि बुंदेलखंड जैसे सब्जेक्ट पर आपने मूवी करनी चाहिए? इसके जो मुख्य किरदार हैं, जो कैरेक्टर हैं, वो ददुआ पे बेस्ड है, शिव कुमार पटेल। ये करीब 28 से 30 साल तक इनका ये रहा, वर्चस्व रहा बुंदेलखंड, और ऐसा रहा कि पुलिस के पास एक तस्वीर भी नहीं थी और हर तरह की कहानियाँ प्रचलित थी उनके बारे में। अच्छा, दिलीप वहीं से आते हैं, फतेहपुर से आते हैं, तो इनके समझिए दिल और जहन में ददुआ एक हीरो की तरह बहुत दिनों से फंसे हुए थे। तो हम मिले और उन्होंने कहा कि लिखा जाए, तो हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया उस पर, काफ़ी बार गए उस इलाके में, चित्रकूट, बांदा, मणिपुर, सब जगह घूमे अंदर। इन्होंने तो 7-8 दिन डाकुओं के साथ बिताए भी और समझने की कोशिश की क्या अभाव है, क्या तरीका है। अंत में फिल्म जो बनी है एक तरह से बायोग्राफी नहीं है, आत्मकथा नहीं है, ये उनकी चरित्र और घटनाओं पर आधारित है, उससे प्रेरित है, तो ये उसकी कहानी। तो ऐसा कैरेक्टर मिलना आसान नहीं है जिसमें इतनी लेयर्स हों, इतना उसके बारे में कहा जाता हो, हर तरह की बातें होती हैं उस इलाके में, हर तरह के लोग धारणा बना के रखे हैं, वो था क्या। हालांकि हमारी कहानी है सीधे साधे इंसान की, जो विपरीत परिस्थितियों में उसे बंदूक उठानी पड़ती है और डकैत बन जाता है, लेकिन उसकी जो उसका जो स्वभाव है, मूलतः स्वभाव है सीधा, वो कभी बदलता नहीं है, वैसे ही रहता है। तो एक तरह से रॉबिन हुड जैसा उसका प्रतीक है और एक तरह से ट्रेजेडी है, बिकॉज डकैत है तो उस तरह की कहानी भी है और काफ़ी एक्शन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी नरेटिव बहुत अच्छी बन गई है। हमारे जो डायरेक्टर हैं प्रीतम श्रीवास्तव, वो उन्होंने प्रकाश झा जी के साथ 7-8 साल तक काम किया है और एसोसिएट डायरेक्टर रहे हैं, उनके साथ कई फिल्मों से जुड़े रहे हैं, तो उनकी समझ काफ़ी सूक्ष्म है, तो उन्होंने काफ़ी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया है। मैंने जो कहानी लिखी थी तो समझिए स्क्रीन पे और कहानी ही लिखी थी, उसमें जो खूबसूरती है वो और उनके एक और अपने राइटर भी मिल करके बनाया है इस कहानी को। तो अभी तक तो बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला है फिल्म का, काफ़ी घटनाओं से भरी हुई और काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड फिल्म है और साथ साथ ह्यूमन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको भावनात्मक स्तर पे आपसे जुड़ती है, उसका जो मुख्य पात्र है इस तरह का इंसान है कि आपको उसके लिए बहुत लगने लगता है कुछ देर बाद, इसके चलते है इसमें बहुत कुछ है। तो दिलीप आगे बताएंगे उसके बारे में। तो दिलीप सर, आपकी मूवी रिलीज होने जा रही है, कितने एक्साइटेड हैं आप? एक्साइटमेंट तो होता ही है और एक्साइटमेंट के साथ साथ अंदर एक घबराहट भी है, डर भी है कि भाई अच्छा रिस्पांस हो, पिक्चर हिट हो। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, जो कर सकते थे वो किया है, बाकी दर्शकों का प्यार है और आप लोगों के वो आप लोगों का सहयोग है कि जो अच्छा लगे तो अच्छा लिखें और अच्छा कहें तो वो फिर फैलता है। सर, सुना है इस मूवी की शूटिंग के दौरान आपको चोट भी लगी थी? जी सर, ये फिल्म वैसे बहुत बड़ी है पर बजट वाइज उतनी बड़ी नहीं है, तो हमारे पास लिमिटेड साधन थे, तो एक्शन कर रहे थे तो एक 40 फीट की ऊंची पहाड़ी थी जहां से वो मुझे स्क्रॉल करके नीचे आना था, तो सेफ्टी के नाम पे हमारे पास खाली 2 नी कैप मिले। हमारे डायरेक्टर बोलते हैं कैसे करें अभी, तो मैंने कहा आप बताओ, प्रोड्यूसर तो खुद कंजूस है। हाँ, तो बोले रिस्क बहुत है, तो मैंने कहा पहनाओ नी कैप, पहनाओ, देखते हैं करते हैं। तो मैं उसे रोल करके नीचे आता हूँ, एक नदी है, कूदता हूँ तो मैं पैर मेरा बेंड हो जाता है, वैसे में ही पूरा एक्शन करता हूँ, दर्द होना शुरू हुआ, टेम्परेरी मेडिसिन वगैरह लिया, बाद में शूटिंग ख़त्म करके क्लाइमेक्स कर रहे थे, लास्ट का वो कुछ दिन बचे थे, तो यहाँ के जब जांच कराई तो पता चला कि इसमें मिनिस्कस टीयर कुछ होता है, वो हो गया है, तो फिर कोकिलाबेन में भर्ती हुए, ऑपरेशन कराया और साल भर लगा, तो अभी ठीक है। सर, आप अपने आप को मेरी जगह रख के देखिए, खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है एज ए ह्यूमन बींग, मैं भी आदमी हूँ, मुझे भी उसी तरह की खुशी और उसी तरह का दुख होता है जैसे सब लोगों का होता है, पर जितनी मेहनत की थी, लोगों का अप्रिसिएशन है, तो वो अंदाज़ा था कि कहीं ना कहीं तो स्टैंड करेंगे। 2 साल लगे, 2016 में एक शेड्यूल किया था, 2018 में दूसरा शेड्यूल किया और फिर अभी इसी मार्च अप्रैल में इसका पोस्ट ख़त्म हुआ, तो फिर फेस्टिवल्स में गई,
अभी 3-4 जगह इसको बेस्ट नैरेटिव का भी अवार्ड मिला, लोनावाला में 4 अवार्ड मिले जिसमें मुझे बेस्ट डेब्यू एक्टर का भी अवार्ड मिला। लौरा मिश्रा हैं, उन्होंने मेरी वाइफ का रोल किया है, वो भी थिएटर से ही हैं और मैं भी थिएटर से हूँ। दिल्ली में मैंने थिएटर किया एक्ट वन में बहुत दिन, फिर NSD अप्लाई किया था, नहीं हुआ था, फिर BNA चला गया तो BNA में ट्रेनिंग ली, फिर फिल्म स्कूल में ट्रेनिंग ली, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे, तो वहाँ से ली। और बाद में फिर अच्छा काम नहीं मिला तो वेट करता रहा अच्छा काम का, तो मैं कॉरपोरेट में थिएटर करता था, महिंद्रा, पेट्रोनास, JK, उनके अंदर में उनका ब्रीफ लेके नाटक लिखते थे सर, और फिर हम उस पर एक्ट करते थे और डायरेक्ट करते थे। और बीच बीच में बहुत सारे शोज़ की मैंने होस्टिंग की है। फिल्म मेरी पहली है एज ए मेन लीड। इन्होंने जानबूझ के अपने को टेलीविज़न से अलग रखा, क्योंकि सोच रखा था कि करेंगे तो अच्छा किरदार करेंगे और जो जहन में है वही करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, तो इंतज़ार का ही फल है। हाँ, अब ये तानाशाह वो किरदार है या सिस्टम है या नेता है, ये आपको पता लगाना है, आपका अपना ओपिनियन है। हर आदमी अपनी अपनी जिद में लगा हुआ, आप अपने समाज में भी देखते हैं, घर में भी देखते हैं, हर आदमी को लगता है मेरी ही चले, मैं जो कहता हूँ वही सही है, दूसरा आदमी गलत है, तो एक जो ह्यूमन वो है, एलिमेंट है, तो उस तरीके से इसका टाइटल है। ये सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन है, किसी की नज़र में सिस्टम तानाशाह है, पुलिस तानाशाह है, किसी की पुलिस की नज़र में शिवा तानाशाह है, तो आप सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन है, सब एक दूसरे से जद्दोजहद कर रहे हैं, जूझ रहे हैं और अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई है कि मैं ज़्यादा पावरफुल, मैं ज़्यादा पावरफुल। आज समाज में देखो, पॉलिटिक्स में देखो, सब जगह वही चल रहा है कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, मेरी ही चलेगी, मैं जैसा कहता हूँ वही सही है। बहुत अच्छा रहा, वहाँ की भाषा, वहाँ के लोग, आदिवासी, बहुत आदिवासियों के गांव हैं वहाँ पे, करीब 250-300 गांव हैं जो इनके प्रभाव में थे शिव कुमार पटेल के, वो लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, उनको भगवान की तरह मानते हैं, उनका मंदिर भी बना हुआ है, उस मंदिर में 6 लाख लोग आए थे उसके ओपनिंग में, कबराहा करके एक जगह है फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर एक बड़ा मंदिर बना हुआ है उनका, 2 साल पहले उसका उद्घाटन हुआ। तो वहाँ की भाषा थोड़ी सी अक्खड़ है, तुनक मिजाजी ज़्यादा है वहाँ, बात बात में लोग गोली चला देते हैं, घर में उतना वो फाइनेंशियली मजबूत नहीं होंगे, लेकिन खूंटी पे देखोगे तो दुनाली टंगी होगी। UP और MP का बॉर्डर है, चित्रकूट करके एक जगह है, वहाँ पे लोकेशंस बहुत खूबसूरत हैं, वहाँ पे इनके प्रभाव की वजह से लोग ज़्यादा आते जाते नहीं, टूरिस्ट प्लेस है, धार्मिक प्लेस है, चित्रकूट के घाट माँ भाई संतन की भीड़, वो जो आपने चौपाई सुनी होगी, तो वही चित्रकूट है, थोड़ा सा हिस्सा MP का है, थोड़ा UP का है, तो आप पैदल पार करेंगे 2 पहाड़ी तो आप MP में पहुंच जाएंगे, और इधर आ जाएंगे पैदल तो आप UP में आ जाएंगे। बताया तो सर ने, आपने सुना नहीं शायद, आप बाद में आए हैं। जी बिल्कुल, शिव कुमार पटेल उन्हीं का नाम था, उन्हीं से इंस्पायर्ड कहानी है, पर हमने सिनेमा के हिसाब से उसकी लिबर्टी ली है और इसको फिक्शन किया है बहुत कुछ। 2 गाने हैं, एक कबीर का गाना है साधो साधो, और एक और गाना है वो प्रवेश मलिक हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन्होंने दोनों गाने लिखा भी और गाया भी। मैसेज तो ये है कि हमेशा अच्छाई अच्छाई होती है, बुराई बुराई होती है। इस फिल्म में भी वही है कि सच्चाई सच्चाई होती है, अच्छाई अच्छाई होती है, बुराई बुराई होती है, कोई भी हो, चाहे तानाशाह हो या कोई भी हो, बुरी चीज़ का, बुरी बातों का बुरा ही अंत होगा, ये सत्य है। और जो अहंकार पावर का और ताकत का किसी के भी अंदर हो, भस्मासुर का भी हुआ था, तो वो फिर अंत होना तय है, ये मैसेज जाएगा इस फिल्म से। जी वो आजकल ट्रेलर में भी देख रहे होंगे आप, मजबूरी की वजह से तो बागी बने हैं, और बागी बन के भी मजबूर हो गए फिर तो लानत है। और किसी को कुछ जानना है तो आप पूछिए। मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप बहुत सारी फिल्में देखते हैं, बड़े बड़े बजट की, बड़ी क्रोमा और एक्शन और VFX और वो वाली फिल्में देखते हैं, एक अच्छी फिल्म, इमोशन, कहानी, अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत सारे एक्टर हैं, करीब 50 एक्टर हैं इस फिल्म में, NSD के हैं, FTIA के हैं, BNA के हैं, पुराने थिएटर के जो बहुत सारे वरिष्ठ
कलाकार हैं वो हैं, सब ने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छी कहानी लिखी गई है। ये पिक्चर आपको अंदर तक झकझोर देगी और पूरा एंटरटेनमेंट करेगी, इस बात की मेरी गारंटी है। तो आप, बहुत लाइट और बहुत सेटल कॉमेडी है, जो इंटेलिजेंट कॉमेडी है, जो आपको समझ आएगी, गुदगुदाएगी, हंसाएगी। फूहड़ वाली कॉमेडी नहीं, कॉमेडी है, आपको मजा आएगा। सिचुएशन है ऐसी, वन लाइनर ऐसे हैं कि आपको सुन के मजा आएगा, हंसेंगे आप। और एक वो जो अंदर से जो हंसने वाली, वो मजा आया किसी बात में तो आपने हंस दिया, वो जो भोड़ी कॉमेडी रहती है वो उस तरह का नहीं है, छिछोरापन नहीं इस फिल्म में। सबसे बड़ी बात है इसके हर कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग, इतना अच्छा सबने, ये तो कंसीव बहुत अच्छा हुआ। हर एक पात्र जो इसका है बहुत अच्छा कंसीव किया गया है, डिटेल में किया गया है। और हालांकि बहुत कम समय तक सब पात्र रहते हैं, लेकिन उनका जो प्रभाव है बहुत लंबा रहता है। मैंने आज अगर आपका हीरो बड़ा है, बड़ा होता किस लिए? होता इसलिए कि आपके आसपास के किरदार प्रस्तुत होते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उनका रहा है। इनके चरित्र को उभारने में इनको बड़ा कर रहे हैं, उनका जैसे छोटे भाई का जिन्होंने रोल किया है, या फिर मंत्री का रोल किया है, या फिर पुलिस SP का रोल किया है, सब का काम लाजवाब का, बहुत ही इंटेंस। और आप लोग ट्रेलर देखिए, 2 मिनट का ट्रेलर YouTube पे है, आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा। 1 मिनट का ट्रेलर कल शायद सेंसर होके आ गया है इन लोगों का, तो फिर वो थिएटर वगैरह में चलेगा। तो आपको उसी से बांधगी, आप लोग तो जानकार लोग हैं, आपके अब तो रोज का काम है। हमारी तो पहली फिल्म है, आपकी तो 25वीं होगी, आप लोग तो सब जानते हो, 25वीं होगी, 50वीं होगी, 100वीं होगी। तो आप लोग तो जरा से जैसे चावल की बोरी में हाथ डाल के आप बता देते हो कि कौन सा बासमती है, कि वो कौन सा चावल है। तो वैसे आप लोग खुद पारखी लोग हैं, आप ट्रेलर देखिए, आपको तुरंत पता चलेगा कि हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, फिल्म कहाँ स्टैंड कर रही है, परफॉर्मेंस किस लेवल की है। अरे हम किसी की तुलना नहीं करते किसी से, ये अलग कहानी है, अलग किरदार है, इसकी अलग घटनाएं हैं। और उस कहानी का जो पान सिंह तोमर थी, उनकी कहानी का कुछ अलग था, मतलब खाली पर्सनल रिवेंज था। हाँ, ये मोर ड्रामेटिक है, मोर इंटरटेनिंग है। अगर आप वैसे जाएं, लोकेशंस बहुत अच्छे हैं, किरदार अलग हैं, उसमें 2-4 किरदार के आसपास ही पूरी कहानी घूमी हुई थी। इसमें लेयरिंग ज़्यादा है, आप पिक्चर के आखिरी फ्रेम तक नहीं पता कर पाएंगे कि क्या होने वाला है। लास्ट 10-15 मिनट में तो ऐसी घटनाएं घटती हैं साइमल्टेनियसली, और आप एक बार फिल्म देखने बैठ गए और 10 मिनट आपने, 5 मिनट आपने फिल्म देख ली, तो फिर पिक्चर खत्म किए बिना आप उठेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। इसरार भाई नहीं उठ पाए, तभी तो डिस्ट्रीब्यूशन लिया। और आप इसको एक बार नहीं, दूसरी बार भी देखेंगे, तीसरी बार भी देखेंगे, तो उतने ही इंटरेस्ट के साथ देखेंगे। कई बार होता है कि हमने आजकल जो फिल्में होती हैं, एक बार देख लिया तो दोबारा बड़ी मुश्किल से देख पाते हैं, दोबारा देख लिया तो दोबारा मन ही नहीं करता है कि यार बस हो गया। इसमें ऐसा है कि आप दोबारा देखेंगे तो भी आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, तिबारा देखेंगे तो भी बना रहेगा। ये मैं समझ में आता है, लेयर इतनी है कि एक के बाद दोबारा देखने में भी पुरानी। आपको इस सब्जेक्ट में ऐसा क्या लगा कि आप इस मूवी से जुड़े हैं? सर देखिए, बेसिकली आई एम ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर, और बाद में मैं डिस्ट्रीब्यूटर बना। मेरी लास्ट पिक्चर थी, मैंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ब्रेक दिया था उसमें, लतीफ, उस फिल्म का मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर था, शायद नाम सुना होगा लतीफ़ का, एक ही है। मैं उस फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर था, उस फिल्म ने मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। उस फिल्म में मैं इतना परेशान हुआ, नवाज को लेकर भी मैं फिल्म बेच नहीं पाया, रिलीज नहीं कर पाया। एक ही हमारे डिस्ट्रीब्यूटर दिल्ली के खड़े, लास्ट मोमेंट में इन्होंने भी डिस किया, भाई है मेरे अच्छे दोस्त है, लेकिन हालात होते हैं। तो उस दिन मैंने कसम खाई कि आज के बाद मैं अपना डिस्ट्रीब्यूशन खुद खोलूँगा। 35 साल का जो तजुर्बा मुझे फिल्म लाइन में, 84 में बॉम्बे आया था कानपुर से हीरो बनने, उसके बाद से हीरो तो बना नहीं, असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, 17-18 फिल्में छोटी मोटी बनाई। 2004 में बाजार बनाई थी, कादर खान के बेटे को ब्रेक दिया था अंजला जौहरी के साथ। तो उस दिन फिर मैंने कसम खाई कि अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा, और अपने जैसे जितने परेशान प्रोड्यूसर बेचारे अच्छी फिल्में बना के आते हैं लास्ट मोमेंट में, उनको मैं परेशान होने दूंगा और लुटने नहीं दूंगा। बम्बई से शहर में चीटर बहुत बैठे हुए हैं, सो कॉल्ड पीने के नाम पे इतने पैसे दे दो, इतने थिएटर दे दूंगा, सब लूट लेते हैं, अब प्रोड्यूसर बर्बाद हो जाता है। तो आज उस बात को 2015 मैंने लतीफ रिलीज़ की थी, उसके बाद से आज तक मैं 32-33 फिल्में कर चुका हूँ। डैनी भाई से आज पहली मुलाकात है, लेकिन सारे काम फ़ोन पर होते थे, कोई भी काम हो डैनी भाई ये पिक्चर आ रहे जा रहे, लेकिन ऐसा लगता था हमारी सालों की मुलाकात है, आज पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन फ़ोन पर हमारी हमेशा बात होती, काम चलते रहते थे। ये फिल्म देखने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि हमने कहा सर इसको आप सिंगल स्क्रीन टारगेट करो,
मल्टीप्लेक्सेस हम इसको लिमिटेड करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लेक्स वालों का फंडे कुछ अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। तो इन्होंने मेरी बात मानी, मैंने इसको 3 बार पिक्चर देखी। ये पिक्चर कब शुरू होती है, कब ख़त्म हो जाती है, आदमी उठ नहीं पाता है, क्यूरियोसिटी बनी रहती है, इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छी वेल मेड फिल्म है। एज ए टेक्नीशियन मैं बोलूँगा कि नई स्टार कास्ट हो गई भी, लेकिन पिक्चर का फील, फ्लेवर, ग्रैंडर, ग्लैमर आपको लगेगा आप एक बड़ी फिल्म देख रहे हैं, कहीं से सी और बी ग्रेड की पिक्चर नहीं है। अगर इसी फिल्म में अगर मनोज बाजपेयी डाल देते हैं या नवाज डाल देते हैं या अनुराग कश्यप के 2-4 एक्टर डाल देते हैं, ये पिक्चर कहाँ की कहाँ और पहुँच जाती। इनको घर बैठे सारे पैसे आ गए होते। अब इनकी त्रासदी है कि बेचारे नए आर्टिस्ट हैं तो इनको खुद सब कुछ करना पड़ रहा है। तो आउट ऑफ वे जाके उसको हम अच्छे कम से कम 600 से 700 थिएटर लगाएंगे इंशाल्लाह, इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, और पिक्चर अच्छी जाएगी मुझे उम्मीद है। नहीं, हम इनको जादूगर बोलते हैं, आप मैजिशियन बोलते हैं। नहीं सर, अभी लास्ट एसिड की थी मैंने, एसिड वाले भी आने वाले थे डैनिक भाई के पास, लेकिन उनकी फ्लाइट कुछ कैंसिल हो गई इलाहाबाद से, कहाँ से नहीं पहुँच पाए। डैनिक भाई नाराज भी थे, मैंने कल रात को उनको बहुत डांटा भी एसिड वालों को, तो बोले भैया ऐसा वैसा, चलो कुछ नहीं, बस ये पिक्चर जाएगी अच्छी। सर कितना समय लगेगा इसको बनाने में? कौन सी पिक्चर को? ताना शाह को इन्होंने 2 साल लगे। लेकिन तैयारी 2013 से, रिसर्च करना, रिसर्च विसर्च बहुत हुआ है ग्राउंड लेवल पे, बहुत बार ये लोग गए हैं वहाँ पे जाके देखे हैं। सर रिस्पांस कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा, अभी तक तो टच हो डाउन, जिसने भी देखा है, जिसे भी दिखाया है, बहुत ही पिक्चर पसंद आएगी सर, सबको पसंद आएगी। और मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी देखें, अगर आपके अंदर वो जो भावना आती है कि सच में अच्छी है, तो आप प्लीज़ उसको लोगों को भी शेयर करिए, बताइए, ताकि अच्छी फिल्म सभी तक पहुंचे और इस तरह के प्रोड्यूसर स्टैंड करें, जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर हैं, तो उनको प्रोत्साहन मिले। सर इसका कंटेंट कैसा लगा आपको? कंटेंट अच्छा है सर, मतलब टोटल कमर्शियल भी कह लीजिए, कमर्शियल कम आर्ट, मेकिंग वाइज, टेकिंग वाइज, जितने शॉर्ट डायरेक्टर दे लिए, साउंड रिकॉर्डिस्ट बहुत टॉप के हैं, शशि रंजन जी हमारे वन ऑफ द टॉप साउंड रिकॉर्डिस्ट फिल्म इंडस्ट्री के, कैमरामैन इनके बहुत अच्छे हैं, इनका एडिटर बहुत टॉप का है, जो आज सुभाष गई का बिजली मुठ का हेड है एडिटिंग डिपार्टमेंट का, सब कुछ अच्छा है। एक्टर सब इन्होंने थिएटर के अच्छे लिए और कहानी भी इन्होंने ऑफ बीट सब्जेक्ट उठाया है, उसको अच्छी तरीके से इन्होंने पिक्चराइज किया, डायरेक्टर ने अपना अच्छा काम किया है। और कहीं कहीं प्रकाश झा नज़र आते हैं उसके डायरेक्शन में, नो डाउट, गुरु तो नज़र आएंगे, तो आपको देखने वाले लगे कि हाँ प्रकाश झा की पिक्चर देख रहे हैं, गंगा जल टाइम, वो फील नजर आएगी आपको। क्योंकि डॉक्यूमेंट्री तो सुपर हिट यही मिल रहा है, तो अगर ददुआ के आसपास घूम रहे हैं तो अच्छी होगी। नहीं, ददुआ ही है, लेकिन ददुआ के आसपास मतलब घूमते हुए भी, लेकिन अपने आप को बचा के रखा है, कमर्शियल एलिमेंट है, क्योंकि जो सिनेमा है इसमें पैसा लगता है, जो लोग पैसा लगाते हैं वो चाहे पैसा वापस भी चाहते हैं, धंधा इंडस्ट्री बोलते हैं उसको, तो उसको बिजनेस के हिसाब से उसको थोड़ा थोड़ा ट्विक किया है।